गाइस आज की ब्लॉग्स में हम जा रहे हैं एमजी रोड। तो गाइस आज के ब्लॉग्स में हम जा रहे हैं एमजी रोड। तो मेरे साथ ही है तीन भाई लोग, तो चलते हैं। फिर फर्स्ट है इसको यहाँ पे हम टच करेंगे, प्राइस शो हुआ और ये डोर इधर से ओपन हुआ, मैं उधर से चला गया था। सो गाइस यहाँ पे हमने ले लिया है टिकट्स और टिकट का प्राइस गया है 30 रुपीज़। और मेरे साथ ही अजमल भाई यहाँ पे है अजमल भाई कुछ बताओ, किधर जा रहे हो आज जा रहे हैं हम तीनों एमजी रोड घूमने के लिए। रूम पे बैठ के बोर हो रहा है, इसलिए सोचा था आज तीनों को घूम के आ जाएंगे थोड़ा उधर एमजी रोड में। फाइनली आके मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, उधर आके मेट्रो का इंतज़ार कर रहा हूँ हम तीनों। इधर है अजमल भाई बात नहीं कर रहे हो भाई, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, सुनमाई काफ़ी है भाई, इसको तो थोड़ा बात करो भाई। यार जाते हैं अभी मेट्रो से जाएंगे तो सीधे एमजी रोड उतरेंगे और यहाँ से इसका कुछ स्ट्रीट फूड देखेंगे घूमते। चले गाइस बने रहे ब्लॉग्स में। तो गाइस फाइनली हमारा मेट्रो भी आ गया, हम चलते हैं भाई। तो गाइस हम तीनों आके पहुंच गए हैं एमजी रोड मेट्रो स्टेशन में। तो बताओ भाई। तो यार अभी हम जाएंगे बाहर, बाहर का नज़ारा, बाहर का स्ट्रीट कैसा है सब कुछ देखने जा रहे हैं। तो चले गए इस बात के। ठीक है चलते। सो गाइस बेंगलुरु की फेमस रोड में से एक आता है एमजी रोड, बहुत ही फेमस है ये, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, गूगल करो कुछ भी करो। सो अभी हम आ गए इस जगह पे और ये है इसका बाहर का नज़ारा, बहुत ही मस्त है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं एमजी रोड में और मेरे साथ ही अनवर भाई ने एक सनग्लास ले लिया है। तो हां भाई लिया है एक सनग्लास, कैसे लग रहा है भाई? बोलो। मैं बोल रहा था पहले फुल हीरो लग रहा है भाई, पूरा मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बता दो कमेंट में। तो बहुत ही अच्छा है लोकेशन यहाँ का, कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे हमें मिलता है चार्ज स्ट्रीट और ये स्ट्रीट आपको मेट्रो के सामने ही देखने को मिल जाएगा, मेट्रो स्टेशन के सामने ही। एंड दिस इज द फेमस स्ट्रीट इन एमजी रोड। एंड गाइज यहाँ पे है हमारे सामने वन प्लस का स्टोर, बहुत ही मस्त है एकदम, बिल्कुल पूरा ऑसम लग रहा है देखने में, इसका व्यू लुक पूरा एकदम मस्त है। और यहाँ पे हमारे सामने कैसे इंडिया का फ्लैग लग रहा है, सो बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम, बहुत शान से लग रहा है। सो गाइस यहाँ अभी हम है एमजी रोड के फेमस जो स्ट्रीट है इसका नेम है चार्च स्ट्रीट। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो थोड़ा इस जगह को एक्सप्लोर करके देखते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रीट फूड है। और मेरे साथ ही है बाकी तीन दो लोग है, अनवर भाई और अजमल भाई साथ है, तो ये हम तीन ही जा रहे हैं, तो जाके देखते हैं गाइस। एंड गाइज उसके बाद हमने यहाँ से ले लिया है गोलगप्पे, तो यहाँ का गोलगप्पे बहुत अच्छा था, मस्त था, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था। सो
उसके बाद हम चलने लगे हैं चार्ट स्ट्रीट को पूरा, ये जो रोड है इसको पूरा देखने का। तो हम चलने लगे हैं इस रोड से सीधा, ये रोड कहाँ तक जाता है ये देखने के लिए। सो अभी हम चल रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ बार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भाई, क्लब भी 10 रुपीज़ का है क्या? 20 का बस, 10 का नहीं है, 20 का एक, ये 20 का है किताब। तीन दियो, दे दो 20 का, ये छुटा हो रहा है ना भैया, क्या करेगा 104। तो गाइस उसके बाद हमने यहाँ से ले लिया है मूंगफली। तो मूंगफली खाने के बाद हम चले गए हैं सीधा इस रोड की तरफ, बट इसके अंदर जितना आइटम था ना वो नहीं लग रहा है कि वो 20 का होगा, बट क्या करें, जो भी हो भाई, मैं उनसे भाव नहीं करता हूँ, बट मेरे गाइस लोग बोल रहे हैं कि ये तो आइटम इसमें बहुत कम है, बट इसके प्राइस ज़्यादा है। सो क्या करें गाइस, ये तो MG रोड है, मेरी जान यहाँ पे कुछ भी होता रहता है। सो गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो प्लेस है बहुत, सो आज का ओपिनियन मेरा यही है कि अगर आपको यह जगह घूमने का प्लान है सो यू कैन डू, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही मस्त है, और इसमें फॉरेनर ज़्यादा है तो देखने में बहुत मस्त लगता है। तो आप लोग इजीली आग बंद करके विजिट कर सकते हो। तो गाइस हम यहाँ पे आके पहुँच गए हैं, यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट फूड है और लोग भी बहुत ज़्यादा है। हम अभी थोड़ा सामने जा रही, यहाँ पे एक स्ट्रीट को लेके जाके देखते हैं, और सामने सोनवर भाई ये लोकेशन, ये जगह आपको कैसा लगा था बताओ? क्या बताऊँ भाई, बहुत अच्छा है जगह, ये लोकेशन आके सामने आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ भी है, बहुत अच्छा लगा भाई, सही में सच में भाई बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ये फेमस प्लेस है बेंगलोर का, MG रोड का एक फेमस प्लेस है चार्ट स्ट्रीट। और तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सामने देखने और एक प्लेस। यू नो गाइस के इस स्ट्रीट का नेम था चार्च स्ट्रीट। सो यहाँ पे मैं कंफर्म करने आया कि यहाँ पे कोई चार्च है या फिर नहीं है। हाँ गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे एक चार्च मिल गया है, और दैट्स व्हाई इस स्ट्रीट का नेम बना था चार्च स्ट्रीट, और ये चार्च स्ट्रीट सीधा इसी हाईवे को जाके अटैच करता है। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का सारा जगह हमने देखी है, चार्ट स्ट्रीट बहुत अच्छा जगह है भाई यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, क्लॉथ फूड का स्टोर भी है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अभी लाइट हो गया है बहुत ज़्यादा। यार यहाँ पे ना शॉपिंग का बहुत सारा दुकान है, आप यहाँ पे आराम से शॉपिंग कर सकते हो, बहुत ही कम रेट है, बट यहाँ पे ज़्यादा लोग भाव करते हैं। और गाइस उसके बाद हमें अपना भाई लोगों को लेके फिर हम पहुंच गए हैं महात्मा गांधी। भाई थोड़ा हाथी दिखाओ, जाहिद भाई हाथी का साथ। एंड गाइस यहां पे अनवर भाई कुछ एक्साइटेड हो गए हैं ये वाला फ्रेम देख के, सो मैंने कुछ फोटोज क्लिक कर दिए उनके लिए। तो अभी हम जा रहे हैं यहां पे टिकट। और गाइस अभी हमने उड़ी का टिकट्स लेके हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन में, देख सकते हो यू कैन गाइस। सो चलते हैं अभी जाके, ट्रेन के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम निकलते हैं धीरे धीरे अपने लोकेशन में, आप लोग इंजॉय करिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने लोकेशन में उड़ी मेट्रो स्टेशन। तो आज के ब्लॉग्स को यहाँ पे एंड करते हैं, अगर आपने आज के ब्लॉग्स को एंजॉय किया है तो ज़रूर इस वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से जो ज़रूर इसको शेयर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।